इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रयागराज में आज महंत नरेंद्र गिरी का होगा अंतिम संस्कार। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह होंगे अंतिम संस्कार में शामिल। सीएम योगी भी आज पहुंच रहे हैं प्रयागराज। महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। सुबह 11:30 बजे के बाद आम लोग कर सकेंगे महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन। अखाड़ा परिषद ने जारी की प्रेस रिलीज। अखाड़ा परिषद के पंच परमेश्वरों की आज होगी बैठक, आगे के कार्यक्रम पर चर्चा होगी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे नरेंद्र गिरी, कल संदिग्ध हालत में फंदे से लटका मिला था शव। प्रयागराज के मठ में नरेंद्र गिरी का सुइसाइड नोट भी बरामद हुआ था। सुइसाइड नोट में शिष्य आनंद गिरी को खुदकुशी के लिए जिम्मेदार ठहराया। पुलिस ने शिष्य आनंद गिरी को हरिद्वार से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। फॉरेंसिक टीम की मदद से जांच में जुटी पुलिस। सुइसाइड नोट में प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी आदित्य तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी का भी नाम सामने आया। पुलिस उन्हें भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। प्रयागराज के बांकबरी गद्दी मठ पहुंची फॉरेंसिक टीम। मठ से लिए गए सैंपल इसी मठ में मृत पाए गए थे महंत नरेंद्र गिरी। हरिद्वार में आनंद गिरी के आश्रम की बढ़ाई गई सुरक्षा। यूपी और उत्तराखंड पुलिस छानबीन के लिए आश्रम पहुंची। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले शिष्य आनंद गिरी, महंत जी ने आत्महत्या नहीं की, उनकी हत्या हुई है। आनंद गिरी ने कहा, महंत नरेंद्र गिरी से मेरा कोई विवाद नहीं था, मुझे षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। आनंद गिरी का बयान मठ की संपत्ति के लिए दूसरों से विवाद था, करोड़ों की हवेलियों में रहने वाले लोगों से साजिश की है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर पीएम मोदी ने दुख जताया, कहा संत समाज को जोड़ने में नरेंद्र गिरी का अहम योगदान रहा है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत को सीएम योगी आदित्यनाथ ने आध्यात्मिक जगत के लिए अपूर्णीय क्षति बताया, कहा प्रभु श्री राम उन्हें अपने चरणों में जगह दे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, नरेंद्र गिरी महाराज की खुदकुशी से स्तब्ध हूं, निःशब्द हूं। केशव मौर्य ने एक दिन पहले उनसे मुलाकात की थी। नरेंद्र गिरी के निधन पर बोले स्वामी रामदेव, मुझे यकीन नहीं हो रहा ऐसा कैसे हुआ, वह ऐसे महापुरुष नहीं थे जो आत्महत्या कर लें। महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जताया दुख, कहा उनके योगदान को हम हमेशा याद किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने महंत नरेंद्र गिरी के निधन को अपूर्णीय क्षति बताया, कहा ईश्वर उनके अनुयायियों को दुख सहने की शक्ति दे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने महंत नरेंद्र गिरी के निधन पर दुख जताया, संपूर्ण समाज के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का सवाल, क्या ये आत्महत्या या सुनियोजित हत्या। 24 सितंबर को पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच होगी द्विपक्षीय बैठक। पहली बार पीएम मोदी से मिलेंगे बाइडेन, व्हाइट हाउस ने जारी किया बयान। बाइडेन से मिलने से पहले अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलेंगे पीएम मोदी। 23 सितंबर को होगी मुलाकात। यूएन महासभा में आतंकवाद और वैक्सीन जैसे मुद्दों पर भारत उठाएगा अपनी बात, भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति का बयान। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का आज संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन, वीडियो लिंक के जरिए रखेंगे अपनी बात। पीएम मोदी से मिले सऊदी अरब के विदेश मंत्री, द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर 22 सितंबर को होने वाले G4 विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। 26 सितंबर को सार्क के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। राजनाथ सिंह ने अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से बात की, अफगानिस्तान के हालात समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। चीन के साथ सीमा विवाद और अफगानिस्तान के साथ ताजा हालात पर बोले विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला, सुरक्षा चुनौतियां बनी हुई है हमारे लिए। हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा, चीन से साफ साफ कह दिया गया है कि हमारे बेहतर संबंध के लिए शांति जरूरी है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने की पहली कैबिनेट बैठक, डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत कई विधायक शामिल हुए। चंडीगढ़ स्थित सचिवालय में हुई चन्नी कैबिनेट की पहली बैठक, मीटिंग में कामकाज को लेकर चर्चा। गद्दी संभालते ही चन्नी ने सरकारी कर्मचारियों को दिया तोहफा, वेतन में 15% की बढ़ोतरी की। चन्नी कैबिनेट की बैठक में लोगों को फ्री में पानी देने का भी ऐलान हुआ, बिजली की दरों में भी मिलेगी रियायत। पंजाब के नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी आज पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह से मुलाकात कर सकते हैं। शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे थे अमरिंदर सिंह। पंजाब के सीएम चन्नी ने केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने की अपील की, कहा किसानों पर आंच आए तो अपनी गर्दन पेश करूंगा। पंजाब कांग्रेस के चीफ नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, पंजाब के एक दलित को सीएम बनाकर राहुल गांधी ने इतिहास रचा। राष्ट्रीय महिला आयोग चीफ ने सीएम चन्नी को महिला सुरक्षा के लिए खतरा बताया, सोनिया गांधी से सीएम पद से हटाने की मांग की। पंजाब के बाद राजस्थान कांग्रेस में भी हलचल, राज्य कांग्रेस के पूर्व महासचिव महेश शर्मा ने फिर सचिन पायलट को सीएम बनाने की मांग की। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस को आंतरिक कलह से ग्रस्त बताया, कहा कांग्रेस का नेतृत्व तो अप्रासंगिक हो चुका है। पश्चिम बंगाल में 30 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा, भवानी उपपुर उपचुनाव समेत 3 सीटों के लिए होनी है वोटिंग। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर पहुंचे सीएम ममता बनर्जी, शीतला माता मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम ममता बनर्जी से मिले बाबुल सुप्रियो का दीदी से दिल से काम में जुट जाने को कहा है।
बीजेपी ने सुकांत मजूमदार को बनाया बंगाल बीजेपी का अध्यक्ष, दिलीप घोष राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सुकांत मजूमदार का सीएम ममता पर हमला का राज्य को ममता के तालिबानी शासन से बचाएगी पार्टी। टीएमसी के मंत्री पार्थ चटर्जी का बयान, बीजेपी को अपने 10 और सदस्यों को खोने का डर। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और मीसा भारती के पैसे लेने के आरोप वाले मामले में सियासत तेज, अब बक्सर रहने वाले शख्स ने भी पैसे लेकर टिकट नहीं देने का आरोप लगाया। तेजस्वी पर आरोप के मुद्दे पर आज मीडिया से मिलेंगे बीजेपी नेता सुशील मोदी। तेजस्वी पर पैसे लेने के आरोप लगाने वाले शख्स को भी मीडिया के सामने लाएंगे। टिकट के लिए 5 करोड़ लेने के आरोप पर तेजस्वी यादव की सफाई, इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। तेजस्वी यादव ने कहा, आरोप लगाने वाला शख्स अगर गलत साबित हो तो उसके खिलाफ होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई। पटना में आज से आरजेडी के 2 दिन के प्रशिक्षण शिविर का होगा आयोजन, तेजस्वी यादव समेत पार्टी के सीनियर नेता शामिल होंगे। हिमाचल प्रदेश की सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, यूपी उत्तराखंड के बाद छठे राज्य में चुनाव लड़ने का ऐलान किया। गोवा दौरे से पहले सीएम केजरीवाल का ट्वीट, गोवा में बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करने आ रहा हूं। मिशन गुजरात में जुटे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी अहमदाबाद में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। ओवैसी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा, हमें कोई बी टीम कहे, वोट कटवा कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। गुजरात विधानसभा चुनाव में उतरेगी एआईएमआईएम, ओवैसी ने कहा, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ूंगा। कांग्रेस ने रजनी पाटिल को दिया राज्यसभा का टिकट, जम्मू कश्मीर की कांग्रेस प्रभारी है रजनी पाटिल। कांग्रेस की अपनी सभी सांसद, विधायक और कार्यकर्ताओं से अपील, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ 20 से 30 सितंबर तक देश भर में प्रदर्शन करें। गाजीपुर को यूपी के सीएम की बड़ी सौगात, 195 करोड़ की 1025 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। गाजीपुर में सीएम योगी का बयान, माफिया और गुंडाराज का हुआ खात्मा, कार्रवाई देख विपक्षियों के उड़े होश। गाजीपुर पहुंचकर सीएम योगी ने किया ऐलान, यूपी का विकास किया और आगे भी करते रहेंगे। गाजीपुर में बीजेपी के एससी मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, सीएम योगी ने कहा, हमारा सिर्फ एक ही धर्म है, राष्ट्र धर्म। जौनपुर में बोले सीएम योगी, पहले सिर्फ मैं और मेरा खानदान होता था, अब सबका साथ सबका विकास होता है। योगी के अब्बा जान वाले बयान पर ओवैसी का तंज, कहा, उन्हें पिताजी कहना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी पर कसा तंज, पूछा, अमेठी छोड़कर क्यों गए केरल के मुस्लिम बहुल क्षेत्र वायनाड। असम में उग्रवादी समूह उल्फा से बातचीत करेंगे सीएम हेमंत बिस्व शर्मा, कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने मुझे किया है अधिकृत। जम्मू कश्मीर के उरी में सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया, सेना ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन, इंटरनेट सर्विस को बंद किया गया। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सप्तशक्ति कमान यूनिट ने की एनुअल ट्रेनिंग। 130 mm गन्स और K9 वज्र की दिखी ताकत, K9 वज्र को भारतीय सेना में नया नया शामिल किया गया है। भारत और नेपाल के बीच सैन्य अभ्यास सूर्य किरण पिथौरागढ़ में शुरू, 3 अक्टूबर तक चलेगा सैन्य अभ्यास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निमास टीम के पर्वतारोहियों का बढ़ाया हौसला, इस टीम ने 7,077 मीटर पर एक पर्वतारोहण अभियान पूरा किया है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज 103 आंगनवाड़ी भवनों का करेंगे लोकार्पण, 10,000 पोषण वाटिका का भी करेंगे लोकार्पण। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को मिला रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार, आत्मनिर्भर भारत में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए सम्मानित किया गया। चंडीगढ़ में देर रात हुई झमाझम बारिश, मौसम के बदले मिजाज से दिल्ली में और कई जगहों में मौसम बदल सकता है। पश्चिम मिदनापुर में बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने, बाढ़ की चपेट में 20 गांव। कोलकाता में भारी बारिश के बाद जल भराव, पानी पानी हुआ लेक गार्डन्स। उड़ीसा के 12 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी, आईएमडी ने भारी बारिश की आशंका जताई। पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा को 50,000 के मुचलके पर कोर्ट ने जमानत दी, राज थार्प को भी मिली जमानत, आज जेल से रिहा हो सकते हैं राज कुंद्रा। टैक्स चोरी के आरोप पर सोनू सूद ने तोड़ी चुप्पी, कहा, सख्त रहो में भी आसान सफर लगता है, हर हिंदुस्तानी की दुआओं का असर लगता है। सोनू सूद ने कहा, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, मैं अपना काम कर रहा हूं, मैंने सारी जानकारी एजेंसी को दे दी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद यूपी के एसपी नेता आजम खान से ईडी ने पूछताछ की, बाहुबली नेता अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी से भी सवाल जवाब। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए 2 आरोपी, आतंकी जान मोहम्मद की कनेक्शन से भी हुई गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस ने रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया, पुलिस ने 1 आरोपी को गिरफ्तार किया। देश में अगले 3 महीने में मिलेगी 100 करोड़ वैक्सीन की डोज, अक्टूबर में मिलेगी 30 करोड़ वैक्सीन। वैक्सीन को लेकर मैत्री कार्यक्रम के तहत भारत फिर दूसरे देशों को भेजेगा वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ऐलान किया। देश में बड़ी वैक्सीन की रफ्तार, पिछले 11 दिनों में लगी है 10 करोड़ वैक्सीन की डोज। देश में अब तक 81 करोड़ 73 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है, 18 साल से ज्यादा की 64% आबादी को लगी है पहली डोज। 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन सुरक्षित, क्लिनिकल ट्रायल के रिजल्ट के कारगर साबित हुए हैं वैक्सीन। देश में कोरोना के 24,897 नए केस, 251 लोगों की मौत हुई।
केरल में कोरोना के 15,692 नए केस सामने आए, 24 घंटे में 92 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में 2,583 नए कोरोना के केस पाए गए हैं, 24 घंटे में 28 मरीजों की मौत हुई है। काबुल में टेंट में रह रहे विस्थापित सैकड़ों परिवारों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से लगाई मदद की गुहार, बोले बुनियादी जरूरतों की भारी कमी। सीरिया में ड्रोन हमले में एक शख्स की मौत, एक गाड़ी पर किया गया अटैक। अमेरिका के ह्यूस्टन में गोलीबारी में एक पुलिस अधिकारी की मौत, दूसरा घायल, फायरिंग करने वाला शख्स मारा गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में सेकिया के पहाड़ों की तरफ बड़ी जंगल की आग, पेड़ों को बचाने के लिए जुटे हैं फायर फाइटर्स। स्पेन में ज्वालामुखी से निकलते लावे से दहशत, 100 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने आरसीबी को 9 विकेट से हराया, आरसीबी ने केकेआर को दिया था 93 रन का लक्ष्य। शुभमन गिल ने 48 और वेंकटेश अय्यर के 41 रन की पारी खेली, वरुण चक्रवर्ती और आंद्रे रसेल ने 3-3 विकेट लिए। वरुण चक्रवर्ती को मैन ऑफ द मैच चुना गया, वरुण ने 4 ओवर में 13 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। टी20 वर्ल्ड कप के बाद 4 देशों की मेजबानी करेगी टीम इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और वेस्टइंडीज के साथ होगा मैच। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।